सबसे पहले मैं आपको हार्दिक धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि आपने मुझे एक राजस्थान के किसानों के बारे में बोलने का सुअवसर दिया। मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो राजस्थान पूरे प्लस विशेष रूप से वेस्टर्न राजस्थान, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इज ड्रॉट प्रोन एरिया, टोटली ड्रॉट प्रोन एरिया, और वहां पे बारिश वास्तव में या तो देरी से होती है या इंटरवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे इन 5 ईयर्स 5 साल के अंदर 3 वर्ष फसलें खराब होती हैं। और फसलें खराब होने के कारण काश्तकारों के लिए एक नई स्कीम आई है कि वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। वेदर बेस्ड जो क्रॉप इंश्योरेंस है उससे सबसे बड़ा जो फायदा भी है, लेकिन अभी तक इस वेदर बेस्ड इंश्योरेंस से किसी भी काश्तकार को प्रीमियम से ज्यादा कभी भी खराबी की राशि नहीं मिली है। दे डिडंट गेट एनीथिंग बिकॉज देर आर सर्टेन रीजंस। फर्स्ट, ये वेदर बेस्ड इंश्योरेंस दैट इज लोकेटेड द टोटली दे डिपेंड अपॉन द रेन गेज एंड द वेदर ऑफ द तहसील हेडक्वार्टर। वाइल हमारे वहां तो ये कहावत है कि आपके गाय के एक सींग पे बारिश हो रही तो दूसरा सींग ड्राई रह रहा है, यानी एक गांव से दूसरे गांव में भी बहुत अंतर आ जाता है। आप तहसील हेडक्वार्टर यदि तहसील के एक कोने में लोकेटेड है और पूरा तहसील दूसरी साइड में है, इस कारण से क्या होता है कि उसमें जो है वेदर में सही रिपोर्टिंग नहीं होती है। यदि तहसील हेडक्वार्टर पे अच्छी बारिश दर्ज हो गई तो बाकी तहसील के गांव में चाहे कितना भी खराबा हो, दे विल नॉट गेट ए सिंगल पेनी। ये एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो मैं किसानों की आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी को। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि दे गिव कंपनसेशन थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जगह इंडिविजुअल खातों में बैंक के जनधन योजना और इन खातों में जमा कराया जाना चाहिए इंस्टीड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दे गेट सपोर्ट, दे लोड टेक फार्मर्स सपोर्ट।